पेंटिंग खराब हो गई थोड़ी, बट आई प्रॉमिस मैं ठीक कर दूंगा। पर इससे पहले आप अपना प्रॉमिस पूरा करो। आपको याद है अपना प्रॉमिस? आपने कहा था कि पेंटिंग फिनिश कराओगे, तो कराओ ना मम्मा प्लीज। आप जल्दी से आ जाओ मम्मा, मुझे भी आपके बिना अच्छा नहीं लगता मम्मा प्लीज। मम्मा जल्दी से आ जाओ। वो आएंगी कायरो, वो आएंगी। नैरा मासी जो प्रॉमिस करती है वो पूरा करती है कायरव, वो जरूर आएगी। मारे दीदी को कुछ ना होगा कायरव, मन्ने मन्ने मांगी अपने सिग्नल वाले बाबा से। इन बच्चों का दिल और विश्वास दोनों मत टूटने देना भगवान। जिसने कभी अपनी मंदिर में रखी जोत को बुझने नहीं दिया, आज उसके जीवन की जोत हमेशा जलाए रखना भगवान। जिसने हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां भरी, आज उसके बच्चों के जीवन में अंधेरा मत होने देना प्लीज, मत होने देना। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? क्या और क्या बातें कर रहे हैं लोग? क्या क्या कह रहे हैं लोग? नैरा मिल गई बेटा। वो आप बताइए ना पापा। वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं पापा आप बताइए ना। नायरा मिली ना, उन्हें कहा है वो? कहा है? कोई बात नहीं, आप बताइए मुझे कहा है नायरा, कहा है वो? I'm sorry, उनका भी कोई पता नहीं चला है। क्या कुछ पता नहीं चला? तो क्या करें आपके हाथ में अभी तक? क्या करें वो लोग? एक जरा सा गिर गई है वो, स्लिप हो गई और आपके हाथ में अभी तक ढूंढ नहीं पाए उसे। अब मुझे जाने दीजिए, मैं जाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ उसे। देखिए मैं ढूंढ लूंगा नायरा को, आप लोगों की जरूरत नहीं मुझे। देखिए रात काफी हो चुकी है, इस समय उनको ढूंढना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम अपना ये ऑपरेशन रोक रहे हैं। पागल हो गए आप? ऐसे कैसे घर चले जाएंगे? आप इत्मीनान रखिए और कल सुबह हम फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। कैसे कह सकते हैं आप? मैं मेरी नायरा को यहाँ ठंड में अकेले अंधेरे में छोड़ के चला जाऊँ? उसे जरूरत है मेरी, उसके पैर में चोट लगी है, उठ नहीं पा रही खुद। मेरा यहाँ होना जरूरी है, मेरा उसके पास जाना जरूरी है, उसके वापस लाना जरूरी है। आप लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे और मुझे कह रहे कि मैं घर चला जाऊं? ये मेरी सोच रही क्यों बेचारी? एक लड़की वो किस हालत में होगी इस वक्त? वेट कर रही होगी ना, वो वेट कर रही होगी कि उसका कार्तिक आएगा, उसे लेगा। हमारे बच्चे वेट कर रहे घर पर, पता नहीं कैसी होगी। और आप ये कैसे कह सकते हैं? आपके बेबी बच्चे होंगे, आपकी फैमिली होगी, आप कह रहे कि मैं घर चला जाऊं? पापा इनसे कहिए कि इनको जाना तो जाए, लेकिन मैं अपनी नायरा को लेकर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसे कैसे ऑपरेशन रोक सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं करने देंगे हम आपको ऐसा। देखिए मुझे लगता है कि हम बात करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें नायरा को ढूंढना चाहिए। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे चाचू, हम लोग बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आप ऐसे मत कीजिए, आप हम सबकी बात मानिए ना प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर कार्तिक, और कल सुबह से फिर करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त हमें ये ऑपरेशन रोकना होगा। ऐसे मत कहिए प्लीज, ऐसे मत कहिए। मैं घर जाके अपने बच्चों से क्या कहूँगा? मेरा बेटा जब मुझसे पूछेगा कि उसकी मामा कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा उसे? मेरी बेटी बोल भी नहीं पाती अभी, उसकी माँ की गोद के बिना कैसे रहेगी? मैं कैसे चुप कराऊंगा उसे? आप प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। भगवान न करे कि कोई भी सिचुएशन में कभी भी पड़े, मुझे भी स्थिति में मत डालिए प्लीज। मेरी नारा को ढूंढने में हमारी मदद कर लीजिए प्लीज ऑफिसर। मिस्टर कार्तिक कम ऑन।
मिस्टर कार्तिक, आप मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। ये टीम मेरी फैमिली है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और इतने सारे लोगों की जान में खतरे में नहीं डाल सकता। आपका दुख समझ रहा हूं मैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अरे पर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, कुछ मत कहो, ये सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें। नक्श, लहर को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ अपना काम कर रहे हैं लोग। अंधेरा हो गया इसमें से बहाने और कुछ नहीं। मैं कब से कह रहा हूं इनसे कि ये मेरी नायरा वो गिर गई है नीचे, इंतजार कर रही है मेरा। वो उसे चोट लगी थी ना बस में, पैर अटक गया था उसका, इसलिए वो हिल भी नहीं पा रही होगी जगह से। वो किस हालत में होगी इस वक्त? हमें जाना पड़ेगा ना उसकी मदद करने के लिए। वो बेचारी कैसे आएगी वो ऊपर? मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, हमें इनकी मदद की जरूरत नहीं है कलक्ष, हमें नहीं जरूरत है, हम खुद बचा लेंगे उसे। हाँ, मैं चल रहा हूँ। मैं जाकर छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो। कार्तिक, शांत हो जा बेटा। मुझे नायरा बेचारी घबरा रही होगी, डर रही होगी वहां पर, उसे मेरी जरूरत है। इसकी वजह से हमेशा से मुझसे मेरा हक छीना गया है, फिर वो चाहे ससुराल हो या मैका। तुम यहाँ कौन सा मेरा दुख बांटने आई हो? साई जी की तबीयत खराब है, तुम उनसे मिलने आई हो, अच्छी बात है, और मिलकर वापस चली जाऊंगी तो और भी अच्छा होगा। वापसी की टिकट करवा कर आई हो ना? नायरा, नायरा कहाँ हो तुम? नायरा, ऐसे तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नायरा, अभी तो मैंने माफी भी नहीं मांगी तुमसे, माफी भी नहीं मांगी। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ नायरा, प्लीज वापिस आ जाओ, प्लीज। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, कभी ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। तुम चाहे मुझे कोई भी सजा दे दो, डांट लो, मार भी लो, लेकिन वो वापस आ जाओ। सॉरी नायरा, वापस आ जाओ नायरा, प्लीज। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा बेटा है, वो बचपन से देखा मैंने उसे, बहुत बहुत डरता है वो उस चीज से। मैं समझ सकता हूँ, पर कोई और रास्ता नहीं है ना? और ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसा कोई सजेशन दे रहा हूँ जो पहले नहीं दिया गया हो। बहुत बार जरूरत पड़ने पर हमें यह रास्ता अपनाना पड़ता है। कार्तिक प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी बात सुनो लक्ष्य, नायरा बहुत डरी हुई है, घबराई हुई, मुझे जाना पड़ेगा, उसे लाना पड़ेगा ना। हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं लोगों को, क्या कहूंगा अपने बच्चे को? तुम समझने की कोशिश करो नक्श। नक्श नहीं, मुझे जाना, छोड़ो मुझे नक्श, मुझे जाना पड़ेगा। क्या कर रहा बेटा? छोड़िए मुझे। ठीक है, आपको अगर यही ठीक लगता है तो बाबा आएगी वापस बेटा। अरे कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, ना नायरा ना लल्ला। कीर्ति बेटा, वो तुम क्या करते हो ना, इस पर लिख कर भेजते हो, भेजो भेजो भेजो। हाँ मैं मैसेज करती हूँ। बच्ची रोए जा रही है कब से, इस छोटी सी बच्ची पे भी तरस नहीं आया ना आपको? आखिर इसने क्या बिगाड़ा है आपका? इसको किस बात की सजा दे रहे हैं आप? क्यों क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ आप हमारे साथ, क्यों? दया करो, देखिए अक्षु की तरफ इतनी छोटी बच्ची है, क्या करेगी वो बिना माँ के? सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जाओ मीठे सपनों में गुम। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जाओ मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरी आंखों का तारा है। सुन 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 नन्हे लोरी की धुन, हो जाओ मीठे सपनों में गुम। Mm-hmm.
छोड़िए मुझे, कार्तिक शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कार्तिक बेटा मैं जा रहा हूं, कार्तिक नीचे जाना है, ये लोग हेल्प कर रहे हैं बेटा। मान गए? हाँ मान गए। थैंक यू पापा। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।